अभी जा रहा हूँ मामा भांजा हिल स्टेशन, और मुझे ऐसे अचानक की प्लानिंग बनी, कुछ अलग जगह पे डिफरेंट जगह पे घूमना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि मौसम हो रहा है थोड़ा, अभी बारिश का मौसम है, तो चला जाए मतलब फाउंटेन पे चले और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों। अभी कुछ मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देख सकते हो रेनी रेनी मौसम है। मॉनसून के टाइम पे हर जगह पे हरियाली है और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। ये सब जगह मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगती है क्योंकि ये जगह पीस होता है, मतलब आप आवाज़ सुन सकते हो यहाँ पर कैसे आवाज़ आ रहा है, मतलब चिड़िया का ची ची आवाज़। और शहर के थोड़ा दूर जाओगे शहर से तो आपको ऐसे ही आपको हरा हरा भरा जंगल देखने मिलेगा और ऐसे पशु पक्षी की आवाज़ सुन के आपका मन मोह हो जाएगा पूरा। और ये देख सकते हो वे टू मामा भांजा दरगाह, तो ऊपर है, पूरा ऊपर है, आपको दरगाह दिखाई देगा पूरा ऊपर। देखो माहौल कैसे हो रहा है वहाँ पर, पूरा जो हिल्स के ऊपर वहाँ पर है दरगाह है, तो वहाँ पर विजिट करेंगे। यहाँ पर देखो कैसे घर घर दिख रहा है, देखो वो साइड में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग है, स्काई स्कैपर है, बट थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। देखो भाई ऐसे पूरा जंगल में जैसे आग लगाया गया है, ये देख सकते हो पूरा ये जल गया है पूरा यार, ये देख सकते हो हर जगह पे आपको ऐसे लकड़ियाँ पड़े हुए देखने के लिए मिलेगा। और वहाँ पर पार्किंग एरिया है, अब दूर में दिख नहीं रहा होगा, ये देखो गाड़ियाँ दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। देखो भाई वहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ, मतलब लोग रहते हैं क्या यार, कपड़े दिख रहा है मुझे। और वहाँ पर देखो बैठने के लिए जगह है, जंगल में रहते हैं यार, मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि जंगल में रहते भी हैं यहाँ पर। देखो घर नहीं है फिर भी वहाँ पर एक मतलब पत्ता जैसा पड़ा हुआ है और वहाँ पर पेंट वेंट सूख रहा है छोटा छोटा, और आगे जाके हमको देखने मिलेगा। फिलहाल तो चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। वाटरफॉल है शायद, ये वाटरफॉल है, यहाँ से मतलब जो बारिश के टाइम पे यहाँ से पानी जाता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्या दिया गया था, क्या 5 बजे के बाद ऊपर चढ़ नहीं सकते, बट फिलहाल अभी बज रहा है 6:30 बज रहा है, और तेंदुआ से सावधान रहे ये बोला गया है। मतलब तेंदुआ क्या होता है मुझे वो भी पता नहीं है, तेंदुआ क्या होता है। खैर सब जा रहा है, देखो भाई यार यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है, देखो भाई देखो वहाँ पर कितना धुआं आ रहा है यार, क्या हो रहा है वहाँ पर, जल रहा है सारे जंगल। यहाँ पर देखो पूरा थाने सिटी का व्यू दिख रहा है, पूरा कोहरा चादर में पूरा डूब गया है। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर अभी फिलहाल बहुत दूर जाना है, बहुत ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर नज़ारा कैसे दिख रहा है। वहाँ पर ही वो साइड में भी पहाड़ है, ये साइड में भी पहाड़ है, बीच में ये सिटी बसा है थाने, जो कि मैं आपको बहुत सारी वीडियो में दिखाने की कोशिश कर चुका हूं और दिखा भी चुका हूं। फिलहाल अभी ऊपर के पूरा थाने का माहौल दिखाता हूं, ऊपर से पूरा ऊपर चढ़ेंगे, वहां पर दिख रहा होगा आपको एक घर जैसा जो कि एक दरगाह है, तो वहां पर लेके चलता हूं और पूरा थाने सिटी को कवर करता हूं। और भाई का हालत कैसे ख़राब हो चुका है आप देख सकते हो, पूरा पसीना से बुरा हाल है, अभी भाग के मैं चढ़ रहा हूँ। चलो यह देख सकते हो, और यहाँ पर जो देख रहे हो पेड़ों पे कैसे कैसे फूल हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। थोड़ा चढ़ने के बाद ऐसे ही छोटा एक रेस्ट करने के लिए ऐसे प्लेस दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अब देख सकते हो कैसे फूल हुआ है। खाना खाने के लिए यहाँ पर भी आपको दुकान मिल जाएगा जो कि आप खा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बोतल है, जो कि कचरा एक जगह पर साइड करके रखा गया है, कोई पानी का बोतल लेता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कचरा ना हो इसीलिए डस्टबिन बना के रखा गया है। ऐसा बहुत ही खूबसूरत लगा ये चीज़। और चलते हैं, और भी बहुत ऊपर चलना है, पूरा ऊपर
वो साइड पे जाना है, अल्टीट्यूड पे, हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे जाना है। हर दिन का हालत खराब हो गया है। ये लो पानी भाई, पानी। वेरी डिफिकल्ट जर्नी मर माई लाइफ, बोल नहीं पाता, सांस फूल रहा है। हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे आ चुका हूँ, नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। और भी थोड़ा ऊपर जाना है, फिर जाके हम ये मिशन को कंप्लीट करेंगे। ये क्या पकड़ लिया तुमने? खेकड़ा पकड़ लिया? अरे छोड़ो उसे यार, जिंदा है वो। अरे छोड़ दो, कितना बड़ा है। पहुँच गया मैं, और थोड़ा सा मेहनत। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी मामा भांजा हिल स्टेशन में। पसीना देख सकते हो, पूरा भीग चुका हूं, भीग चुका हूं पूरा पसीना से। सारी भरी पूरा मेरा जो कपड़ा है पूरा भीग चुका है। और यहां पर एक पहाड़ हमेशा हमको एक चीज़ सिखाती है, जब हम चल के आ रहे थे तब हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जब यहाँ पर हाईएस्ट अल्टीट्यूड में मैं पहुँच गया तब मुझे फील हुआ कि मेरा चढ़ने का तो कुछ मकसद था, बट यहाँ पर आके जो व्यू पॉइंट मुझे दिख रहा है, जो पूरा थाने सिटी का जो प्रॉपर व्यू दिख रहा है, वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जो दिख रहा है आपको भी मैं दिखाता हूँ, क्या दिख रहा है आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है पूरा थाने सिटी, मैं आपको दिखा दिया, जैसे कि बहुत बार मैं ट्राई कर चुका हूँ यहाँ पर आने के लिए, बट कभी ना कभी मुझे कुछ फील होता है कि मैं थोड़ा उठने के बाद मुझे फील होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इतना दूर चढ़ नहीं पाऊँगा, पर मैं नीचे उतर जाता हूँ। बट जब मैं यहाँ पर पूरा आज कंप्लीट किया ये पूरा ट्रैक को, और मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद जो फील हो रहा है मुझे, जस्ट लुकिंग लाइक हुआ, और ये व्यू देखने के बाद मुझे कुछ अलग ही लेवल का, मतलब ये शहर से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। और ये जो देख लिया है पूरा, ये जो पूरा मेंटेन करके रखा गया है पूरा पत्थर से बनाया गया है, और यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर आने तक कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़े दूरी पे आपको दुकान देखने मिलता है, यहाँ पर आपको प्यास लगी हो तो पानी भी मिल जाता है। और आगे है मामा भांजा हिल स्टेशन को, ये जो मामा भांजा हिल स्टेशन है इसे क्यों बोला जाता है मामा भांजा हिल स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर ये साइड पर है मामा जो एक बाबा थे, तो यहाँ साइड में उनका दरगाह बनाया गया है मामा, और वो साइड पे है भांजा, वो जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे वो साइड में जो है दिख रहा है आपको, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, वहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा एक बनाया गया है दरगाह, तो वो है भांजा मामा। तो ये मामा भांजा हिल स्टेशन, मतलब ये जो थाने का खास अट्रैक्शन है मामा भांजा हिल स्टेशन, जहाँ पर आपको अल्टीट्यूड पे चढ़ने के बाद आपको ऐसे दरगाह देखने मिलेगा, और पूरा प्रॉपर थाने सिटी देखने मिलेगा। ये टाइम पे तो ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पर, जब मानसून के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर ये देखने के लिए विजिट करते हैं। और महाराष्ट्र के पहाड़ की बात करूँ तो ये जो महाराष्ट्र के जितने भी पहाड़ है, तो वहाँ पर मानसून के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, वाटरफॉल देखने मिलती है, और जो पहाड़ है ना पूरा पूरा ये जो धुंधला धुंधला देखने लगता है, और जैसे लगता है हम स्वर्ग में आ चुके हैं, ऐसे फील होता है। अभी सनसेट का टाइमिंग है, बट सनसेट होता तो मैं आपको दिखाता, आज थोड़ा रेनी सीजन है, मतलब जो मौसम है थोड़ा रेनी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर सनसेट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इतना अच्छे से मुझे हिंदी नहीं आता है, क्योंकि मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ, तो आपको पता ही होगा ओडिशा के लोग जो होते हैं तो हिंदी में थोड़ा मतलब पढ़ ही लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सब पढ़ नहीं पाते, बट हमारा जो मेन लैंग्वेज होता है वो है ओडिया, तो ओडिया लैंग्वेज में थोड़ा कनेक्शन थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब ओडिया और हिंदी का, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा हिंदी तो बोल लेता हूँ, अच्छे से बोल लेता हूँ, बट कभी कभी थोड़ा दिक्कत आता है और पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है। और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, ये कौन सा है, मामा है या भांजा है? मामू भांजा। नहीं नहीं, ये मामा है या भांजा है? मामा है। मामा है, ये है मामा जो मैं पहुँच चुका हूँ, आपको थोड़ा आगे चल के दिखा।
दोस्तों के साथ आया था, मैं कभी ये कैमरे में आता नहीं है, बट बहुत ज्यादा हम घूम चुके हैं हम इनके साथ। इसका नाम है, इनके नाम है पवन, मेरा दोस्त है, ठीक है, और ये है फरदीन। माय नेम इज फरदीन। और हमेशा हम साथ में ट्रैवल करते हैं, बट ये कैमरे में ज्यादा नहीं आते हैं, ये मुझे मना करते हैं कि मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। मैं जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे आपको दिख रहा है वो है मामा, हम ऊपर से देखते थे, बट अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई पहाड़ के ऊपर में तो फिलहाल आ चुका हूँ, बट अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है, मुझे डर लग रहा है कि मैं नीचे उतरूंगा तब कोई यहाँ पर जानवर वानवर मत आ जाए, बहुत ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि आगे दोस्त है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अकेले होता तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस आ जाता। ये देख सकते हो ये है दरगाह जो कि भांजा है, और वो साइड में है मामा जो कि आपको दिखाया था, बट रात हो चुका है मैं जा नहीं सकता वहाँ पर। वहाँ पर भी व्यू बहुत ही अच्छा आता है, देख सकते हो यहाँ पर भाई साहब क्या व्यू आ रहा है यार, देख सकते हो पूरा थाने सिटी ऐसा दिख रहा है ना भाई। मैं थाने सिटी को अभी फिलहाल इतना ऊपर से देख के मतलब बहुत ही जगह से मेरा प्यार हो चुका है यार। और ये है दरगाह मामा, ये भांजा सॉरी, और ये व्यू भाई इट्स अल्टीमेट। भाई 5 बजे के बाद लिखा था यहाँ पर तेंदुआ से सावधान रहना भाई, अभी 7 बज रहा है और डर आ चुका है मन में भाई, पूरा अंधेरा है, अभी ट्रक जला के यहाँ से निकल रहे हैं, और भी बहुत नीचे ही जाना है, बट उतरते समय ऐसे फील नहीं होगा। पसीना दिख रहा है आपको यहाँ पर, जहाँ पर पहले मैं आया था जहाँ पर दुकान था वहीं पर फिलहाल पहुँच चुका हूँ अभी, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अभी यहाँ पर एक पानी का बोतल ले लेते और पी के नीचे तक चलते हैं। चीज़ नोटिस करना दोस्तों, जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो मतलब पहाड़ के, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइमिंग लगेगा मतलब ऊपर चढ़ने में, बट जब उतरते टाइम ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा आसानी से उतर सकते हो आप। बट यही चीज़ आपको हर चीज़ मतलब एक चीज़ नोटिस करना, आप कभी भी लाइफ में भी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब आप कुछ करने जाते हो कुछ पाने की चाहत रहती है आपका, बट वो चीज़ में आपको थोड़ा देर ही मिलेगी, बट वो मिल जाएगी, बट जब उतरते टाइम आपको इतना ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा जितना आपको चढ़ते टाइम झेलना पड़ता है। फिलहाल मैं उतर चुका हूँ और अभी यहाँ से डायरेक्ट जाने वाला हूँ रूम तक, तो फिलहाल ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है, और ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, और ऐसे ही ट्रैवल कंटेंट बनाते जाऊँगा मैं। अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपको अभी फ़िलहाल 3-4 दिन के बाद, मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ उदयपुर और द लेक सिटी ऑफ इंडिया जो कि 1 नंबर पे आता है, और मैं फ़िलहाल जो अभी सिटी आपको दिखा रहा हूँ थाने सिटी, और दिखा भी चुका हूँ आपको द लेक सिटी इंडिया, लेक सिटी ऑफ इंडिया थाने को भी बोला जाता है जो कि 2 नंबर पे है, और जो 1 नंबर पे है वो है राजस्थान का उदयपुर द लेक सिटी ऑफ इंडिया, वो टूर भी मैं आपको कराऊंगा। अभी 4 दिन बचा है, 4 दिन के बाद जाऊंगा और आपको चीज़ों को दिखाऊंगा। तो भाई पसीना से कैसे हाल बुरा हाल हो चुका है आप देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सबसे पहले हमारे ब्लॉग चैनल का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए चैनल का बेल आइकन दबा देना, और मिलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।